हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपके लिए बहुत ही खास और स्पेशल वीडियो लेके आया हूँ। वो वीडियो है एक सीपीयू को कैसे असेंबल किया जाता है, वो भी प्रॉपरली तरीके से। कई बार असेंबलिंग की वजह से हमारा सीपीयू या मदरबोर्ड ख़राब होने का पूरा चांस रहता है। तो आज मैं आपको प्रॉपरली और राइट वे क्या होता है असेंबल करने का, उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। तो आप यहाँ पर देख रहे हो मेरे पास काफ़ी सारे स्क्रू पड़े हुए हैं, जिसे आप पेच बोलते हो, स्क्रू ड्राइवर है, देन एक मदरबोर्ड है, साथ में इसके रैम पड़ी हुई हैं, और ये हार्ड ड्राइव है, और ये इधर एक डीवीडी राइटर है जिससे हम डीवीडी वगैरह प्ले करते हैं। ये उसके बगल में एक सप्लाई यानी एसएमपीएस है, तो लुक ऐसे होती है एसएमपीएस की। देन यहाँ पे एक केबल पड़ी हुई है जिसे हम साटा केबल बोलते हैं, और ये हार्ड डिस्क या राइटर या किसी भी चीज़ के साथ कनेक्ट की जाती है। तो ये हमारे पास एक बैक पैनल है, यानी आपकी पत्ती बोल सकते हैं इसको, और ये आखिरी में हमारे पास एक कैबिनेट पड़ी हुई है। तो आज मैं आपको एक सही वे क्या होता है असेंबल करने का, उसके बारे में बताऊंगा। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें, ताकि आपको हमारी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे, और जैसे ही हम कुछ खास वीडियोस लेके आएँ आपको सबसे पहले पता लगे। तो चलिए हम लाइव असेंबलिंग करते हैं और देखते हैं कि ये प्रॉपरली कैसे की जाती है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, ये जो कैबिनेट है आपको इस तरफ से खोल लेनी है इसको ऐसे। यहाँ पे पीछे स्क्रू लगे होते हैं, तो खोलने के बाद ये कुछ लुक लाइक ऐसे नज़र आएगी आपको अंदर से। तो यहाँ पे काफ़ी सारी वायर्स भी पड़ी हुई हैं और देन खाली है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये जो साइड है हमारी, ये वाली, यहाँ पे हमें सप्लाई लगानी होती है। तो सप्लाई लगाते वक्त आपने ध्यान क्या देना है कि जो जो वायर्स होती हैं ये नीचे रहेंगे। तो यहाँ पे इसको आपने यहाँ पे ऐसे रख देना है। रखने के बाद आपने क्या करना है, आप यहाँ पे गौर करो, आपकी कैबिनेट के पास यहाँ पे ये होल बने हुए हैं, इसको ऐसे बराबर करना है, इसको ऐसे लगा देना है, और एक यहाँ पे लगा दो, एक यहाँ पे, और चौथा यहाँ पे लगेगा। तो उसके बाद आप इसे आराम से कस दो, यानी इसे टाइट कर दो। तो ये मेरी सप्लाई यहाँ पे लग चुकी है। अब सेकेंडली क्या आता है कि सप्लाई लगने के बाद फिर चाहे आप पहले राइटर लगा सकते हैं। तो राइटर लगाने के लिए यहाँ पे आप देखो कि ये सारा बंद पड़ा हुआ है। तो ये मेरा डीवीडी राइटर है, तो एलजी कंपनी का है, तो इसे मुझे वहाँ लगाना है, पर वो तो सील्ड है। तो आप कैबिनेट के अंदर से इस तरफ से हाथ डाल के इसे थोड़ा सा प्रेस कीजिए हार्डली, तो ये आप देखो बाहर आ जाएगा ऐसे। तो आप देखो मैंने इसे निकाल दिया है। तो अब क्या करना है, आपने जो राइटर है आपका वो आपने यहाँ पे ऐसे रखना है, ये राइटर आपका इस तरह इसमें डाल दिया जाएगा। राइटर लगाने के बाद आपने क्या करना है, इसको बराबर बाहर से प्रॉपरली बराबर रखना है, ताकि ज़्यादा बाहर भी ना आए और ज़्यादा अंदर भी ना हो। फिर यहाँ से आपने दो स्क्रू लेने हैं, उसके बाद एक यहाँ पे लगा दीजिए और सेकेंडली यहाँ पर। देन आप वैसे ही जैसे पीछे में उसको टाइट किया था, इसको भी टाइट कर दीजिए। तो आप देख सकते हो मेरा राइटर जो है वो आगे फिट हो गया है। अब हमें इस कैबिनेट में मदरबोर्ड फिट करना है। तो मदरबोर्ड फिट करने के लिए आपको पहले क्या करना है, जो मैंने अभी आपको बैक पैनल दिखाया था ये वाला, तो ये इस जगह पे लगेगा जाके। तो आपने इसको अंदर की तरफ से लगाना होता है, और जो नीचे थ्री डॉट्स हैं जिसमें ये आपके स्पीकर वगैरह की वायर लगेगी, नीचे की तरफ रहेंगी। तो इसको आपने ऐसे फिट कर देना है। फिर आपके पास यहाँ पे जो लगे हुए हैं इंटरनल साइड, इन्हें आपने टाइट कर लेना है, ये आपके कैबिनेट में लग के आएंगे। अगर नहीं लगे हुए हैं तो इसके साथ आपको एक पॉलीथीन यानी बैग मिलेगा, उसके अंदर ये होते हैं। तो सभी तारों को साइड में करने के बाद आपने अपना मदरबोर्ड उठाना है,
और फ्रेंड्स जो मदरबोर्ड की असेंबलिंग है यानी मदरबोर्ड में प्रोसेसर फैन कैसे लगता है और हीट सिंकें वगैरह अगर निकल गई हैं या उसे डस्ट साफ़ करनी है तो उसकी वीडियो हमारी पहले आ चुकी है। और हमने इसकी एक सीपीयू के रिलेटेड विंडो कैसे इंस्टॉल होती है और असेंबल कैसे किया है, असेंबलिंग का सेकंड पार्ट मैं आपको पहले से करवा रहा हूँ। एक डिसेंबल का पार्ट है वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दिया है। हार्ड डिस्क की पार्टीशन कैसे होती हैं, बूटेबल पेन ड्राइव कैसे बनती है, लैपटॉप में विंडो कैसे इंस्टॉल होती है, इसकी सभी वीडियो हमारी आ चुकी हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके उन्हें देख सकते हैं। तो एक आप प्रॉपरली सीपीयू यानी हार्डवेयर रिलेटेड जो नॉर्मल कॉमन प्रॉब्लम्स होती हैं आप उन्हें घर बैठे ही सॉल्व कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे मदरबोर्ड लगा दिया है। अब आप देखिए अब हमें क्या करना है कि हमको इसके स्क्रू लगाने पड़ेंगे ताकि मदरबोर्ड ना निकले। कई लोग कहते हैं कि सारे लगाना, तो सारे लगाने से ज़्यादा बेटर होता है, बट अगर आपके पास नहीं है तो 3 एटलीस्ट लगाइए। तो ये मैंने यहाँ पे कस दिया, एक यहाँ पे कंपलसरी होता है, एक यहाँ पे आप लगा दीजिए। सेकेंडली जो है आपने क्रॉस में, अगर आपके पास नहीं है तो फिर आपने सेकेंडली कहाँ पे लगाना होता है, सबसे नीचे, वो भी राइट साइड। तो सेकेंडली आपने फिर इस जगह पे लगाना होता है। अगर आपके पास पूरे पेज नहीं है तो, अगर सभी हैं तो फिर मस्ट बेटर है, बट अगर नहीं है तो इस चीज़ का आपने ध्यान देना है कि 3, एक ऊपर से, ऊपर 2 लगेंगे, एक यहाँ पे लगेगा। तो अगर आपने इतने पेज लगा दिए तो भी आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं, आपका मदरबोर्ड कहीं नहीं गिरेगा। वीडियो को हमेशा पूरा देखिए ताकि आपको किसी भी तरह का जो डाउट हो वो कभी जनरेट ना हो। अगर हम वीडियो आधी देखते हैं तो उसमें कुछ चीज़ें ऐसे होती हैं जो रह जाती हैं और फिर हम उन्हें करने की कोशिश करते हैं और बाद में हमसे होता नहीं है, तो हम ये बोलते हैं कि ये प्रॉपरली वीडियो सही नहीं है, सारे नट लगा दिए। अब आपने क्या करना है कि अब इसके कनेक्शन करने हैं। कनेक्शन के लिए मैं आपको एक चार्ट अभी डिस्प्ले कर दूंगा वीडियो में, हम थोड़ा सा एक मैं चार्ट आपको दिखाऊंगा उसमें USB की वायर कैसे लगती हैं और आपका ऑन ऑफ का पैनल कैसे कहाँ पे, यानी आपके स्टार्ट का बटन, री स्टार्ट का बटन, पावर का बटन, हार्ड डिस्क की LED का बटन और पावर LED कहाँ कहाँ कैसे लगती हैं उसमें चार्ट में डिस्प्ले कर दूंगा ताकि आपको किसी भी तरह का डाउट ना हो। और जहाँ पे ऑन ऑफ होगा वहाँ पे F पैनल लिखा होगा, या तो ओनली पैनल लिखा होगा या फ्रंट पैनल लिखा होगा या F पैनल, तो आपने मदरबोर्ड पे खुद देख लेना है कि आपका F पैनल कहाँ पर है। जैसे मेरा जो F पैनल है वो यहाँ पर है। तो अब यहाँ पे जो खाली चीज़ें हैं ये वाली, तो इसमें मैंने रैम लगानी है, तो इन रैम्स को मैंने अभी यहाँ पे अटैच करना है। तो ये आपके रैम पे कट होते हैं, तो आपने मदरबोर्ड में भी वैसा ही देखना है, तो यहाँ पे आपने उसके हिसाब से इनको अटैच कर देना है। तो ये आपके सही लगनी चाहिए, वैसे गलत लगती नहीं है ये। तो ये मैंने रैम एक सिंगल अटैच कर दी है, अब मैं सेकेंड रैम लगाने जा रहा हूँ। तो इस तरह आपकी रैम भी लग गई। अब आपने यहाँ से एक ये वायर होती है, इसे CPU पावर जैक बोलते हैं, आपने इसको मदरबोर्ड के इस एरिया में लगाना है, ये यहाँ पे। तो ये कई बारी यहाँ पे भी होता है, कई बारी इस जगह पे होता है, कई बारी वो यहाँ पे होता है, तो आपके मदरबोर्ड में जहाँ पर है अपने या वो देख लेना कि 4 पिन का जैक होगा। उसके बाद आता है पावर सप्लाई का जैक, तो ये यहाँ पे लगेगा, ये TX है, 24 पिन हैं, कई सप्लाइयाँ 20 पिन भी होती हैं, तो कोई इशू नहीं होता है। अगर आपके पास नई सप्लाई नहीं है तो आप 20 पिन भी लगा सकते हैं, तो कोई इशू का नहीं है कि आपका मदरबोर्ड ख़राब हो जाएगा। तो ये आपने इसको ऐसे, तो इसको आपने ऐसे लगा देना है, और इसके यहाँ पे एक कट होता है वो, उसमें आप प्रॉपरली इसको आप दबा देंगे तो ये फिट हो जाएगा। तो ये मैंने पावर जैक भी लगा दिया है। देन हमारे पास आता है हार्ड ड्राइव, तो मेरी जो कैबिनेट है उसमें हार्ड ड्राइव यहाँ पे बना हुआ लगा, तो यहाँ पे हार्ड ड्राइव, तो मैं यहाँ पे भी हार्ड ड्राइव लगा सकता हूँ और नीचे भी लग सकती है, तो यहाँ पे बैठ रहता है क्योंकि यहाँ से जो सप्लाई का फ़ैन है वो बाहर एयर एग्जॉस्ट करता है, तो इससे हार्ड डिस्क कम गर्म होती है। कई लोग नीचे लगा देते हैं, वैसे वो भी सही है, बट अगर हम ये लगाते हैं तो इससे टेम्परेचर का वो ज़्यादा रहता है, कम से कम 2 डिग्री का फ़र्क आराम से पड़ जाता है, तो क्या हमेशा हार्ड डिस्क हमें ऊपर लगानी चाहिए। तो आप देख रहे हो, तो हमेशा हार्ड डिस्क ऊपर लगानी चाहिए, ये बेटर वे है। और मैंने यहाँ पे दोनों नट लगा दिए, तो मेरी हार्ड ड्राइव भी
लग गई है। अब हमारे पास मेन जो सबसे टफ चीज़ होती है वो है उनके कनेक्शंस। फ्रेंड्स नीचे ध्यान से देखो, यहाँ पे ये दो ब्लू कलर के जैक बने, ये मेरे यूएसबी जैक हैं। यहाँ पे हम यूएसबी के कनेक्शन करते हैं। ये मेरे पास दो जैक हैं, एक पे यूएसबी लिखा हुआ है, जो सेकेंडली जैक है उस पे ऑडियो लिखा हुआ है। इनको लगाने का भी तरीका होता है। तो यहाँ पे जो दो जैक हैं, अब इनमें देखो, एक में एक पिन छोड़ के बीच में पेंट लगा हुआ है, यानी बंद है, होल आपका क्लोज है, और सेकेंडली जो है इसमें कॉर्नर पे है। तो आपकी जो यूएसबी है उसमें एक कॉर्नर छोटा होगा, तो आपने ये वाला जैक यूएसबी में लगाना है, और जो ये वाला है ये आपका ऑडियो में लगेगा। ये मैंने यूएसबी का जैक लगा दिया, मैंने ब्लू दो बताए थे आपको, और ये मेरा रहा, ये मैंने ऑडियो लगा दिया है। तो यानी ये वायर्स भी लूज़ होती हैं, अलग अलग होती हैं, और इन्हीं से आपका सिस्टम स्टार्ट होगा। तो पहले मैं आपको इन जैक के बारे में समझा देता हूँ। अब देखो, पहला जैक मेरे पास एक ये है जिस पे रीसेट लिखा हुआ है। तो ये हमारे रीस्टार्ट का बटन है। HDD LED यानी जो आपकी हार्ड डिस्क की लाइट ब्लिंक करती है, ये उसका जैक है। थर्ड आपके पास है पावर SW यानी जिससे आपका मदरबोर्ड स्टार्ट होगा। और फोर्थ हमारे पास है दो अलग अलग पावर LED प्लस एंड पावर LED माइनस, यानी जो आपकी पावर ऑन ऑफ की लाइट होती है वो यहाँ से शो करता है। तो अब इनको इसका मैं चार्ट मैंने बताया भी, मैं आपको चार्ट दिखा दूंगा, तो आप चार्ट के अकॉर्डिंग इसके कनेक्शन करेंगे। यहाँ पे जो हार्ड डिस्क के LED वगैरह हैं, इनका प्लस माइनस भी देखना पड़ता है, इसलिए आपने ध्यान से लगाना है। और स्टार्ट और रिस्टार्ट में प्लस माइनस नहीं होता है। अगर मैं असेंबलिंग में बात करूँ तो थोड़ा सा बस यही वाला टॉपिक जो थोड़ा है वो थोड़ा टफ होता है। हाँ, एक बार जब आप एक दो बार असेंबल कर लोगे तो आपको परेशानी नहीं आएगी। तो फाइनली मैंने ये भी अटैचमेंट दे दी इसको, ये मेरा फुल CPU असेंबल हो चुका है। अब मैंने दो चीज़ें छोड़ दी हैं, पहली जो मैंने अभी हार्ड डिस्क में तार वगैरह नहीं लगाए। तो ये कैसे लगते हैं, आपके मदरबोर्ड में ये दो जैक बने हुए हैं, तो आपने यहाँ पे साटा केबल लगानी है। देन आपने क्या करना है, जो आपका हार्ड डिस्क है तो हार्ड डिस्क में आपने इसको यहाँ पे अटैच कर देना है। ID हार्ड ड्राइव में आपका ये जैक लगेगा, और अगर आपके पास साटा हार्ड ड्राइव है तो आपने ये वाला जैक लगाना है। सेम इसी तरह आपने दूसरी साटा केबल लेके आपने अपने राइटर में भी ये तारें लगा देनी है। तो फाइनली मेरा पूरा CPU एक असेंबल हो गया है। तो अब इसमें कुछ भी नहीं रहता है, बस हमें ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना है, और ये हमारा सिस्टम रेडी है। तो फ्रेंड्स, मेरा पूरा CPU असेंबल हो गया था। उसके बाद अब मैंने ये सेल्फ टेस्ट लिया है, तो आप देखो ये प्रॉपरली वर्क कर रहा है। ये मैंने एक्स्ट्रा कूलिंग फैन भी एक लगा दिया यहाँ पे, और सभी तारें पहले से ही कनेक्टेड हो गई हैं। ये मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर लिया था, आप ये देखो ये इसका लाइव है। अगर आपको किसी भी तरह का असेंबलिंग में डाउट होता है तो बेझिझक होकर आप पूछिए, आपको उसका पूरा सलूशन बताया जाएगा। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। धन्यवाद।